दिल्ली के रामपुर में 26 दिन से लापता पायल अपहरण कांड का मंगलवार को पुलिस अधीक्षक ने खुलासा कर दिया। पायल को उसके ही प्रेमी जहांगीर ने धोखे से अपने फार्म हाउस पर बुलाकर मौत के घाट उतार दिया था। वहीं पुलिस ने प्रेमी की निशानदेही पर सोमवार रात 3 टुकड़ों में पायल का शव बरामद कर लिया है। इस मामले में 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। कुछ दिनों पूर्व एक युवती के घर से चले जाने अपहरण के संदर्भ में घर वालों ने बताया था। पुलिस ने तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया। CDR अन्य सर्विलांस के माध्यम और मुखबिरों के स्रोत के आधार पर कुछ लोग इसमें सस्पेक्टेड नजर आए। पुलिस ने प्रकाशमन को लेके आए, जिसमें से 3 लोग पकड़े गए हैं। जो अभियुक्त पकड़े गए उन्होंने बताया है कि चूंकि प्रेम प्रसंग का मामला था, पूर्व में जो मृतक युवती है उसका उसके साथ में सगाई हुई थी और प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन मतभिन्नता होने के कारण उनकी सगाई टूट गई। लेकिन मृतक युवती के द्वारा कंटिन्यू परस्यू किया जा रहा था, तो इसलिए उसे अपने रास्ते से हटाने के लिए 3 लोगों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी है। बाकी लोग भी इसमें अभी इन्वॉल्व हैं, उनको भी हम जांच कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जो भी दोषी लोग हैं उनके ऊपर पुलिस के द्वारा कठोरतम कार्रवाई की जाए। कितने लोग प्रकाश में आए सर? अभी तक 3 लोगों का मुख्य रोल था, 3 लोग इसमें प्रकाश में आए हैं, जिसमें 3 लोग गिरफ्तार होकर अभी जेल चले गए। शेष के खिलाफ NBW इत्यादि की प्रक्रिया जारी है। घटना करीब 20 से 25 दिन से लापता पायल नाम की युवती, जिसकी तलाश पुलिस बड़ी ही तेजी से कर रही थी, और परिजन भी रो रो कर अपनी पीड़ा सोशल मीडिया के जरिए लोगों को बता रहे थे। बहरहाल बीती रात पुलिस ने जहांगीर के फार्म हाउस से पायल नाम की युवती के शव को कई टुकड़ों में बरामद किया है। बहरहाल पहले भी परिजनों का आरोप जहांगीर पर ही था कि उसने उनकी बेटी की प्यार में धोखा देकर हत्या कर दी है। बहरहाल बीती रात शव मिले से और शक पक्का हो गया। बहरहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है और जहांगीर पुलिस की कस्टडी में और उससे पूछताछ जारी है। आजम खान, ETV भारत, रामपुर।